हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। ये देखिए, ये मैंने फ्लावर लूम का जो फ्रेम है इसमें से मैं फ्लावर्स बनाकर इसका मैंने एक बहुत ही सुंदर टेबल क्लॉथ बनाई हूँ। आप इसका बहुत सारे फ्लावर बनाकर आप इसका थालपोस या डाइनिंग टेबल के कवर, आप किसी चीज़ का भी आप इसको बना सकते हैं। और ये फ्लावर, ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावर बनाएंगे तो ये आपको बहुत ही सुंदर बनता है। और इसको कैसे जोड़ेंगे वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ। देखिए, यहाँ पर मैंने इस तरह ब्लॉक लगा कर गांठ बांध दिए हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर पूरा राउंड इसको इसी तरह 3 राउंड्स में बनाते जाना है। मैंने डबल कलर यूज़ किया है, सॉरी ट्रिपल कलर यूज़ किया है, ऑरेंज ग्रीन एंड वाइट कलर का। आप अपने पसंद का कलर ले सकते हैं, ये 4-ply वूल है, आप अपने पसंद का कलर लेकर आप बना सकते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, चैनल में नहीं है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और डिज़ाइन कैसा बना है कमेंट करके ज़रूर बताइए। देखिए, इस तरह ये कंप्लीट हो गया 3 राउंड का। इसको हम यहाँ पर लॉक लगा दिए, गांठ बंद कर लॉक कर दिए। फिर हम दूसरा कलर लेंगे, ये जो छोटे बीच में है ना, उसमें से हमें फिर से एक गांठ बंद कर इसको हमें यहाँ से स्टार्ट करना है। ये ग्रीन कलर का उल है, ये भी 4-ply का उल है। ये देखिए, इस तरह आपको ये पूरा राउंड कंप्लीट करना है। ये भी 3 राउंड्स बनाना है। 3 राउंड्स के बाद आप इसको लॉक कर सकते हैं। देखिए, ये देखिए, मेरा 3 राउंड कंप्लीट हो गया। ये पूरा 3-3 राउंड का है। अभी हम यहाँ पर यहाँ तक कट करेंगे इसको, जो कि आप लॉक लगाने के लिए इजी हो जाएगा। फिर अभी जो सुई है इसमें से आप इसको, इस ऊल को डालेंगे और इसको हमें अभी लॉक लगाते हुए, एक एक को लॉक लगाते हुए जाना है। देखिए, मैं लॉक लगा रही हूँ, आप देखते जाइए। ये देखिए, ये सब हो जाने के बाद आप इसको इसी तरह एक एक करके निकाल के फिर पीछे से थोड़ा ऐसे प्रेस करेंगे तो आराम से ये बाहर आ जाएगा। ये देखिए, इस तरह, ये देखिए, ये इस तरह आपको बहुत सारे फ्लावर्स बनाने हैं।
बहुत सुंदर बनता है इसी फ्लावर्स में, और इसी फ्लावर्स का जो भी डिज़ाइन आप बनाएंगे ना बहुत ही सुंदर बनता है। ये देखिए यहाँ पर मैंने बहुत सारे फ्लावर्स बनाए हैं, अब हम इसको जोड़ना बनाएंगे। ये देखिए इस तरह मैंने लिया वाइट कलर वूल, ये भी 4-ply का वूल ही है, और ये देखिए इस तरह एक नॉट लेंगे, फिर आप इसमें ये जोड़ेंगे इसको, इस तरह से आपको इसको जोड़ना है। फिर यहाँ पर हम लेंगे 6 chains लेके, ये पूरा राउंड इसको 6 chain लेके पूरा इसको आपको जोड़ते जाना है, एक फ्लावर में आप पूरा इसको जोड़ते जाना है आपको। इसी तरह आपको 6 chain का जोड़ना है। ये देखिए ये मैंने यहाँ पर हो गया ख़त्म, इसको यहाँ पर कट करेंगे, जो बचा हुआ धागा है इसको हम यहाँ पर भी ये दोनों को एक नॉट लगा देंगे, जो कि ये खुले ना। फिर ये नॉट लगाने के बाद आप फिर से दूसरे फ्लावर के साथ जोड़ना स्टार्ट करेंगे। ये देखिए यहाँ पर फिर से मैंने एक नॉट लिया, और यहाँ पर हमें दूसरा फ्लावर लेना है, इस फ्लावर को एक के एक में इसको जोड़ना है। फिर यहाँ पर लेंगे हम 3 chain, 1, 2, 3, 3 chain लिया, फिर यहाँ पर हमें जोड़ना स्टार्ट करना है। इस तरह आपको जोड़ना है, जो 6 chain बनना है ना 3 chain के बीच में, इधर उधर 3 chain के बीच में आपको जोड़ना है। फिर से 3 chain लिया, फिर इसमें से दो दूसरे में इसको जोड़ना है। फिर से यहाँ पर 3 chain लिए, फिर आपको यहाँ पर दूसरे वाले में भी आपको सेम प्रोसीजर में जोड़ना है। ये देखिए इस तरह, फिर हम यहाँ पर 3 chain लेंगे, फिर दूसरे पंखुड़ी ऐसे में आपको इसको जोड़ना है। फिर आप यहाँ पर 6 chain के साथ आप ये राउंड भी ये फ्लावर को कंप्लीट करना है। ये देखिए यहाँ पर ये कंप्लीट हो गया, फिर गांठ बांध लिए इसको, नॉक लगा दिए, फिर आप इसको बचे हुए उल को कट करेंगे। ये देखिए इस तरह ये जुड़ेगा, फिर आप तीसरा उल लेंगे,
सेम प्रोसीजर में ही आपको इसको स्टार्ट करना है। नॉट लगा लिया, देखिए इस तरह। फिर यहाँ पर आपको और एक फ्लावर को जोड़ना है। इसी तरह ही दोस्तों आपको बनाते जाना है, बहुत ही सिंपल है जोड़ना, आराम से आप इसको बना सकते हैं। इजी, बहुत इजी है बनाना, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिए, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और डिज़ाइन कैसा बना है दोस्तों आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। ये देखिए यहाँ पर ये जो दो है, यहाँ से दूसरे वाले में आप इसको यहाँ से जॉइंट करेंगे, जो कि आप बीच बीच में, दो फ्लावर के बीच में आप इसको जॉइंट कर सकते हैं। मैंने प्रीवियस में एक वीडियो अपलोड किया हुआ था, जिसका भी, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। वो जो फ्लावर जॉइंट करना भी बहुत सिंपल है, जो कि आप आराम से उसको बना सकते हैं। उसके फ्लावर जॉइंट के उसके बीच बीच में फ्लावर्स बनते हैं, और यहाँ पर जस्ट चेन के साथ ही आप इसको बना सकते हैं। चेन के साथ ये डिज़ाइन, ये जो जोड़ना फ्लावर्स, बहुत सिंपल है और बहुत जल्दी भी बन जाता है दोस्तों, आप इसको ट्राई ज़रूर करना। वीडियो स्किप मत कीजिएगा, स्किप करेंगे तो थोड़ा समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मैं डिटेल में बना के दिखा रही हूँ, इसलिए वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जा रहा है। डिटेल्स में देने के चक्कर में वीडियो लंबा हो रहा है, तो इसीलिए आप स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को कंटिन्यू देखिएगा, जो कि आप आराम से बना भी सकते हैं इसको। डिज़ाइन कैसा बना है दोस्तों कमेंट ज़रूर करना। इसे आप राउंड का थालपोश बना सकते हैं, टेबल क्लॉथ बना सकते हैं, टीपॉय जैसे कंसोल टेबल, कॉकटेल टेबल जो है ना, वो भी बना क्लॉथ बना सकते हैं बड़ा सा। फ्लावर के ऊपर डिपेंड है, आप कितना फ्लावर बना सकते हैं उसी के हिसाब से ये बनेगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, बहुत सिंपल है, आप ट्राई ज़रूर करना। ये देखिए, ये बीच में देखिए, दो फ्लावर के बीच में ये बन के रेडी हो गया, देखिए कितना प्यारा लग रहा है ना। आप ये पूरा यहाँ तक कंप्लीट करेंगे 6-6 चेन के साथ, सेम प्रोसीजर में इसको, ये जो फ्लावर है इसको, ये जो है ना, इसी तरह यहाँ पर आपको कंप्लीट करना है यहाँ तक। ये देखिए मैंने कंप्लीट कर दिया है, फिर आपको यहाँ पर फिर से 6 चेन लेना है, फिर आप यहाँ पर इसको क्लोज कर देंगे। सेम प्रोसीजर में और एक फ्लावर आपको जॉइंट करना है, तो सेम ही प्रोसीजर में बनेगा, मैं बना रही हूँ, आप देखते जाइए।
ये देखिए दोस्तों, ये देखिए इस तरह तीन बन गया, तीन के बीच में ये दो फ्लावर जॉइंट हो गया। फिर इसी साइड में ही आप सेम प्रोसीजर में दो फ्लावर जॉइंट करेंगे। अभी देखिए मैं राउंड का जो फ्लावर जॉइंट है राउंड बनाकर दिखाऊंगी, जो कि आप वहाँ तक बनाकर आप उसको लास्ट में झालर लगा के आप थाल पोस भी बना सकते हैं इसका। तो मैंने बहुत सारे फ्लावर बनाए हुआ था, तो मैं इसका कौनसल टेबल क्लॉथ बनाया हुआ है जो कि बहुत प्यारा लग रहा है। अब देखिए, देखिए बहुत सुंदर बना है, इसी तरह बनाते जाना है आपको। ये देखिए फिर यहाँ पर ऐसे जोड़ते हुए, चेन भी ज़्यादा नहीं लेना है, पूरा राउंड में लेने के लिए 6 चेन्स लेना है, जॉइंट करने के लिए 3 चेन लेना है, बस इतना ही, ज़्यादा कुछ नहीं बनाना है। तो इस तरह आप इसको बना सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, इस तरह राउंड आप बनाने के बाद फिर से ऐसे पास पास में फिर से फ्लावर जॉइंट कर सकते हैं। इसी तरह आपको राउंड बनाकर फ्लावर पोस बना सकते हैं। और इसी तरह मैंने जैसे फ्लावर्स रखे हुए हैं ना, रख रही हूँ ना, उसी तरह ही आपको जोड़ते हुए जाना है, जो कि बहुत प्यारा लगता है। ये देखिए मैंने ये और एक भी जोड़ना बता रही हूँ, आप देखिए। ये देखिए इस तरह आपको
यहाँ पर इस तरह जोड़ते हुए जाना है। देखिए फिर आप यहाँ पर फिर से 6-6 से इनके साथ ये फ्लावर को भी इस तरह कंप्लीट करना है यहाँ पर। और यहाँ पर बीच में ये देखिए मेरा ये बन के रेडी हो गया। फिर यहाँ पर बीच में और एक फ्लावर आप इसको जॉइंट करना है, जो कि आपको ये राउंड शेप से बन के रेडी हो गया। इसी तरह आपको यहाँ तक ये देखिए यहाँ पर ऐसे जॉइंट कर लेंगे इसको। देखिए ये जॉइंट करना भी मैं आपको बता रही हूँ, आप देखिए। Thank you.
ये देखिए दोस्तों, इस तरह ये राउंड शेप से बनेगा। यहाँ तक आप कंप्लीट करके आप इसको थालपोस की जगह यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने बहुत सारे फ्लावर बनाया हुआ है, इसलिए मैंने बड़ा बना रही हूँ। सो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों। वीडियो बनाने के लिए ये डिज़ाइन सोचकर बनाते हुए बहुत टाइम लेता है, तो एक एक लाइक मोटिवेशन मिलता है सबको। मुझे मिलता है मोटिवेशन, जो कि एक लाइक करने से बहुत खुशी मिलती है। कमेंट, जो जो लोग कमेंट करते हैं उनके लिए बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद, जो कि कमेंट से भी मोटिवेशन बहुत मिलता है। सो इसीलिए आप कमेंट लाइक ज़रूर कीजिएगा, जो कि मुझे और भी वीडियोस लाने के लिए मोटिवेशन मिले। सो वीडियो मैंने तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। देखिए दोस्तों, मैं बनाते जा रही हूँ, आप देखिए।
ये देखिए यहाँ पर ऐसे बन गया। फिर से मैंने यहाँ पर फ्लावर सजा रही हूँ, जो कि इसी तरह ही आपको जॉइंट करते जाना है। पूरा फ्लावर को आप इसी तरह ही जॉइंट करते जाएंगे, बीच बीच में भी जॉइंट करेंगे। तो ये जो डिज़ाइन है जॉइंट का, जो ये बहुत ही प्यारा लगता है। देखिए ये पूरा फ्लावर आपको जॉइंट करना है। देखिए इस तरह बनेगा ये सब फ्लावर्स। यहाँ देखिए मैंने बहुत सारे फ्लावर्स को जॉइंट कर लिया है। देखिए बहुत सारे फ्लावर्स मैंने जॉइंट कर लिया है, जो कि अभी लास्ट का जो तो दो तीन लाइन है उसको कंप्लीट करना है। देखिए मैं यहाँ पर और दो थ्री फ्लावर बन जॉइंट करना भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। सेम प्रोसीजर ही है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। देखिए यहाँ पर मैं और दो तीन फ्लावर जॉइंट करूँगी, आप देखिए।
देखिए मैंने दूसरे जगह में फ्लावर सजा दिया हुआ है। अब देखिए कितना प्यारा लग रहा है, ऐसे ही जोड़ते जाना है। देखिए दोस्तों मेरा ये कंप्लीट हो गया है। मैंने कंसोल टेबल के ऊपर ये क्लॉथ डाला हुआ है जो कि कितना प्यारा लग रहा है। आप इसका अपने पसंद का कलर ले सकते हैं, मैंने ये कलर में बनाया हुआ है। तो वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।